और ये कहा तख्ता सब पलट देंगे, ऐसी स्लेट मुंदी मार देंगे और अब नहीं लिख सकते कहीं। कोई बस्ता थामने वाला भी नहीं पावे भाजपा का, यहाँ पर ये स्थिति है। क्या है ये जिला पंचायत अध्यक्ष तो जबरदस्ती बनवा सकते हैं, लेकिन 2000 में जो आम आदमी आम जनता वोट डालेगी उस पर किसी शासन की नहीं चलेगी। जो बच्चा पेट में होता है वो पैदाइशी लोकदल का होता है। छपोली विधान मंत्री जो जिस दिन गुजरात से आए थे वे कसम खा गए थे कि केवल मुझे झूठ और झूठ और झूठ 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 जितनी बोलना है, झूठ के अलावा मुझे कुछ नहीं बोलना है झूठ। और यह सरकार जो इबका आगी अत किसान तो रहने का नहीं, मेरे तो अत में कुरपी है ही जोड़ा हो रहा है जगह भाषण भाषण भरेगा अपना कहीं को हिला देखना पड़ेगा। स्वागत है आप सभी का जी टीवी इंडिया न्यूज़ पर। आज हम पहुंचे हैं छपरौली विधानसभा सीट पर। छपरौली विधानसभा बागपत जनपद की एक विधानसभा सीट है और यहां पर लंबे समय से राष्ट्रीय लोकदल का कब्जा रहा है। यहां से चौधरी चरण सिंह जो किसान नेता रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री रहे, वह भी यहाँ से विधायक रहे हैं। वहीं उनके पुत्र स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह भी सीट से विधायक रहे हैं। वहीं चौधरी चरण सिंह बागपत लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। बागपत लोकसभा सीट के अंतर्गत यह विधानसभा सीट आती है और यहाँ से अजीत सिंह भी सांसद रहे हैं और पूर्व में यहाँ जयंत चौधरी भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। यहाँ कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि 2022 का विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हैं और लगातार गठजोड़ बनाने में जुटे हुए हैं। यहाँ पर ग्रामीणों से जानेंगे कि 4.5 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है उससे कितने खुश हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है भाई साहब? जी मेरा नाम डॉक्टर विनोद राणा है। डॉक्टर साहब, 2022 के विधानसभा चुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी को अब तक 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 4.5 साल के कार्यकाल से आप भारतीय जनता पार्टी के कितने खुश हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल था वो पिछली बार भी धांधलीबाजी से आया था और यहाँ का चुनाव जो जीता था, चाहे वो सांसद हो और चाहे कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं भी हो, धांधली से चुनाव जीता गया था। अगर ईमानदारी के साथ चुनाव होता तो यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल जीतता है हमेशा। इस बार भी राष्ट्रीय लोकदल जीतेगा और इस बार मैं ये वादा करता हूँ कि हर बार का पिछली बार का रिकॉर्ड राष्ट्रीय लोकदल जो है तोड़ने जा रहा है। यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ छपरौली का जो विधायक होगा वो कम से कम 70,000 की लीड से जीतेगा। इस बार में भी आपने छपरौली विधानसभा की बात करें तो पूर्व में भी यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के विधायक थे और हालांकि वह भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो उन्होंने जो 4.5 साल का कार्यकाल है कितने खुश हैं आप उससे? जो 4.5 साल का कार्यकाल है पूरे चुगामा क्षेत्र में या पूरे इसमें कहीं विधायक का कोई काम आप नहीं दिखा सकते और यहाँ पे कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिससे हम ये कह सकें कि यहाँ के किसान या आम जनता विधायक के कार्यकाल से संतुष्ट है। यहाँ कोई संतुष्ट नहीं है और भाजपा केवल एक ही एजेंडा होता है, किसान के विरोधी होती है भाजपा और हिंदू मुस्लिम का उसका एजेंडा होता है, उसका प्रोपेगेंडा सब समझ चुके हैं। अब की बार अब जा आप देख रहे होंगे अभी एक जनसंख्या का कानून की बात चल रही है। 4.5 साल के कार्यकाल के बाद अब अभी चुनाव के समय 2022 में क्यों याद आ रहा है इनको? ये अगर ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना चाहते थे तो ये योगी जी जब बैठे थे सरकार में, सरकार के साथ बैठते के साथ ही क्यों नहीं लागू किया उन्होंने? क्योंकि इनका एक प्रोपेगेंडा है, एक एजेंडा है, एक लॉलीपॉप जनता को ये थमाते हैं। काम इनको कुछ करना नहीं, केवल कागजों में जो है लॉलीपॉप दिखाना है। यहाँ हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ जिससे हम ये कह सकें किसान, आप जानते होंगे चाहे वो आज गाजीपुर के बॉर्डर पर बैठा हो या अपने घर में बैठा हो या अपने कहीं भी हो, किसान पहले भी परेशान था आज भी परेशान है। इससे अच्छी तो मुलायम की मैं कहता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, जो पिछली सपा सरकार थी या बसपा की सरकार थी किसान के हक में ज़्यादा अच्छी रही है। आपने किसान आंदोलन का भी जिक्र किया है और किसानों की बात आप कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि देश के किसानों की 2022 में आय दोगुनी हो जाएगी। 2022 में आय दोगुनी होगी भाजपा सांसदों की, भाजपा विधायकों की, किसानों की नए अभी तक कर पाए किसान। भाजपा सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में पिछले 7 साल से है, आज तक हमें वो तरीका भाजपा सरकार का कोई भी आदमी आके समझावे कि हमने इस तरीके से जो है किसान की आय दोगुनी कर दी, हम आज ही लोकदल को छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। तो आप मौजूदा समय में राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं? जुड़े नहीं है पक्के, यहाँ पैदाइशी लोकदल होता है। जो बच्चा पेट में होता है वो पैदाइशी लोकदल का होता है छपरौली विधानसभा में। यहाँ तो नाम ही चोर साहब का है, ये तो किसी कारण से हमारे कुछ साथी थे या किसान कह लो कोई भी थे, कुछ लोग भटक गए थे। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का प्रभाव था?
उसका प्रभाव रहा, कुछ लोग हमारे बरगड़ा गए थे, कुछ लोगों ने जो है इन लोगों ने उल्टी दिशा दिखा दी थी। आज वे सब वापस हो चुके हैं और सब अपनी गलती मान के वापस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो उन लोगों ने 2013 में जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था वो गलती थी, वो मैं ये नहीं कह सकता वो गलती थी, वो एक इन्होंने एक कर्मकांड किया था, वो भी नहीं कि एक साजिश थी, गलती उसमें किसी की नहीं थी। इन लोगों ने एक कर्मकांड किया, जानबूझ के किया गया, एक दंगा था, वो षड्यंत्र था, वो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र बिल्कुल कराया हुआ था इन लोगों का, कराया हुआ था। बस 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, राष्ट्रीय लोग वही जो किसान नेता हैं चौधरी राकेश टिकैत जी, वो का पड़ोसी 5 सितंबर में आपका पड़ोसी जनपद है मुजफ्फरनगर, तो क्या यह 2022 की रणनीति का हिस्सा है जो किसान महापंचायत होगी 5 सितंबर में मुजफ्फरनगर? देखो किसान महापंचायत एक अलग मुद्दा है, लेकिन सभी लोग जुड़े हैं, किसान भी वही लोग हैं और लोकदल में भी वही लोग हैं, वो भी एक हमारा अपना संगठन है, उसको भी हम समर्थन करते हैं और लोकदल को भी समर्थन करते हैं। ये एक चुनाव से न संबंधित होगा, वह किसान का मुद्दा है, किसान के मुद्दे पे वो पंचायत करी जा रही है, 2022 का उससे कोई लेना देना नहीं है। और रही बात उसकी, आप देख रहे होंगे अब ये जो जिला पंचायत के चुनाव हुए, प्रमुखी के चुनाव हुए, इन लोगों ने जो है उठा उठा गए और ज़बरदस्ती शासन के दम पे आज पेपर में ये छाप रहे हैं कि भाजपा को बहुमत मिला, इन्हें मथुरा में क्यों नहीं बहुमत मिला, बागपत में क्यों नहीं बहुमत मिला। ये सब लोग इन्होंने जो है सत्ता के दबाव में आकर प्रशासन के दबाव, शामली और मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का बना, हाँ तो इसीलिए तो बनाना क्योंकि वहाँ पे इनका मंत्री था। इन लोगों ने जो है उनको सबको प्रशासन को दबाव में लेके और ज़बरदस्ती धांधलेबाजी करने का काम किया, ज़बरदस्ती दबाव बनाकर जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने का काम है जी। हाँ तो चौधरी साहब एक फूस का घोड़ा बना के भेज देंगे ना छपरौली विधानसभा क्षेत्र पर, हम उसे भी जिता के भेज देंगे। ये जिला पंचायत अध्यक्ष तो ज़बरदस्ती बनवा सकते हैं, लेकिन 2000 में जो आम आदमी आम जनता वोट डालेगी उस पर किसी शासन की नहीं चलेगी। 2022 में आम जनता जो वोट डालने के लिए जाएगी वो खुले मन से जाएगी और बिल्कुल निडर होकर जाएगी, पुलिस प्रशासन चाहे कुछ भी कर ले वो केवल और केवल राष्ट्रीय लोकदल को वोट करेगी। तो किसान इस बार राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में है, किसान भी राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में है और अदर बिरादरी भी राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में है। आज पूरा बैकग्राउंड किसी भी आप गांव में जाओगे, आप सर्वे कर रहे हो, कहीं भी चले जाओ, चाहे किसी भी किसान मतलब जो किसान से जुड़ा हो जो भी आदमी आज गांव में है वो किसी भी बिरादरी से हो, सब इनके बार एक मत है, एकजुट है और वे केवल और केवल राष्ट्रीय लोकदल को वोट करेंगे। मैं फिर कहता हूँ एक बार, राष्ट्रीय लोकदल का विधायक यहाँ से 70,000 वोटों से जीतने जा रहा है। आपका क्या नाम है? प्रदीप कुमार जी। प्रदीप कुमार जी, 2022 के विधानसभा चुनाव हैं, आपने सुना भाई साहब कह रहे हैं किसान काफ़ी नाराज हैं और किसान आंदोलन भी लगातार चल रहा है, 2024 तक किसान आंदोलन चलने की बात राकेश टिकैत जी कर रहे हैं, तो 2022 में इसी बीच उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी है, तो क्या इस बार किन मुद्दों को लेकर मतदान करोगे और भारतीय जनता पार्टी का जो 4.5 साल का कार्यकाल है उसके बारे में आपकी क्या राय है? मुद्दे तो जी बहुत है, मुद्दों में तो अब इन बातों को देखते हुए युवाओं के बारे में सोचो, उनकी नौकरियां इन बीजेपी सरकार ने खा ली, तो किस किस बातों में मुद्दे ही मुद्दे हैं, किस चीज़ पे जाए। तो 4.5 साल के कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? हम कोई खुश नहीं है जी यहाँ से। 2022 में क्या करेंगे? हम राष्ट्रीय लोकदल को वोट करेंगे। चर्चा है कि राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, वो इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? हाँ जी लड़ सकते हैं वे, और हम उन्हें भारी वोटों से जिताएंगे। तो आप राष्ट्रीय लोकदल के? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सुरेश राणा। सुरेश राणा जी, 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, सभी राजनीतिक दल गठजोड़ में जुटे हुए हैं, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का भी गठबंधन हुआ है जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में चुनौती देगा, तो आपकी क्या राय है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? किसान विरोधी सरकार है, किसान सड़कों पर है, डीजल पेट्रोल आसमान छू रहा है, आम महंगाई इतनी हो चुकी, आम आदमी भी किसान के साथ जुड़ा हुआ है, भाजपा के विरोध में वोट करी जाएगी जो जीतेगा। 2019 में जयंत चौधरी इसी लोकसभा सीट से चुनाव आ रहे थे, 2 साल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि अब आप भारतीय जनता पार्टी के विरोध में? ये 3 कानून है, काले कानून, गोदाम पहले बन गए, कानून बाद में पास हुए, किसान सड़कों पर है, तो क्या तो कृषि कानून को विरोध कर के विरोध में माहौल है, तो कृषि कानून को लेकर कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कह रहे हैं कि इससे किसानों को लाभ होगा और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? नहीं, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला, धीरे धीरे सब क्रेडिट बंद कर देंगे, सब उनके अंडर में चले जाएगा, पैसा भी वही देंगे,
जब पैसा वो देंगे ज़मीन उनके पास चली जाएगी, पैसा पटने का नहीं, सब कंपनियों के पास चले जाएगा, किसान हो जाएगा उसमें मजदूर। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में जो कृषि कानून आए हैं इनके विरोध भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा? झेलना पड़ेगा विरोध, बहुत भारी मात्रा में झेलना पड़ेगा। महंगाई इतनी चरम पर होगी, नारे दे रहे राष्ट्रवाद फलानावाद, लेकिन महंगाई को देख नहीं रहे। युवा कहाँ है, धक्के खा रहे युवा, चोरी कर रहे सड़कों पर फिर है, कहाँ गई नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं दी अब तक भी उन्होंने, प्राइवेट है वो दे रहे, कोई 10,000 दे कोई 5 दे, सब बेच दी उन्होंने कंपनियाँ। तो बेरोजगारी भी मुद्दा रहने वाला है? बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा, और किसान और क्या चाहिए जी, किसान के बारे में कुछ नहीं करें उन्होंने, किसान को झूठे ही बका रहे हैं। लेकिन 2022 में आए दोगुनी होने का वादा तो कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, कर देगा दोगुनी या बिन्नी जाने की जोड़ दिया है, या बिन्नी जाने की जोड़ दिया है। पेमेंट अब तक नहीं हुआ गन्ने का, पेमेंट अब तक 14 दिन का, 14 दिन के बाद ब्याज कहते हैं मिलेगा, कहाँ है ब्याज वो हमें तो दिखाई दे नहीं रहा, कहाँ ब्याज है जी। 12,000 करोड़ रुपए बकाया है अभी तो, गन्ना भुगतान नहीं हुआ उसका भी खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ेगा। यहाँ तो गन्ने की खेती है जी बस, और गन्ने का एक पैसा नहीं बढ़ाया 5 साल में, एक भी पैसा नहीं बढ़ाया, किसान के बारे में कुछ करा ही नहीं आज। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो कह रहे हैं कि जो कृषि कानून है ये किसानों को लाभ देंगे, बकाया खामखा कुछ नहीं करा, कुछ करा ही नहीं किसानों के बारे में। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था? नहीं दिया। 14 में विंध्या लोकदल को दिया। तो आप राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हैं? बिल्कुल पक्के। कुछ लोगों ने दिया भावनाओं में बैक है, ये दंगा व्यास है, 150 सीट बढ़ी भाजपा की 2013 से, इसका लाभ पहुंचा इसे, उस लाभ का दुरुपयोग कर रहे हैं ये, किसानों ने जमकर वोट दिया इसे, लेकिन किसानों की ऐसी तैसी कर दी उन्होंने, किसान ही मार दिया उन्होंने। पश्चिम उत्तर प्रदेश, आपने मुजफ्फरनगर दंगे का भी जिक्र किया है, मुजफ्फरनगर दंगे की बात करें तो दंगों से पहले यहाँ जाट मुस्लिम समीकरण हुआ करता था, और इससे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल को मजबूती मिलती थी और आधार वोट माना जाता था जाट और मुस्लिम। इन्होंने विपक्षी खत्म कर दिया टोटल। तो इस बार जो इनमें दोनों समाज जाट और मुस्लिम में दूरी आई थी, क्या वो इस बार खत्म होगी? हाँ, कुछ नज़दीक आए हैं, अभी नज़दीक बढ़ती है और चुनाव तक बढ़ जाएगी। तो इस बार 2022 का जो विधानसभा चुनाव है इसमें जाट और मुस्लिम एक मंच पर? हाँ, एक मंच पर होंगे, और भी होंगे, और लोग भी होंगे मंच में इसमें जो किसान है असली, नहीं कोई बस्ता थामने वाला भी नहीं पावे भाजपा का, यहाँ पर ये स्थिति है। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं इनकी क्या। जी भाई साहब, क्या नाम है? धीरज राणा जी। धीरज राणा जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में छपरौली आपकी विधानसभा सीट है, है जी। और चर्चा है कि जयंत चौधरी युवा नेता है देश के, वो यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, तो आपकी क्या राय है? ऐसा है जी, यहाँ तो चौधरी साहब एक फूस का घोड़ा बना के भेज देंगे ना छपरौली विधानसभा क्षेत्र पर, हम उसे भी जिता के भेज देंगे, चौधरी साहब तो ढेर बड़ा डंगा, ये तो सब उनके आगे जाप कथी है। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में आप राष्ट्रीय लोकदल की बात करें, वही 2000 जो 4.5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप युवा वर्ग से आते हैं, इससे कितना खुश हैं? बस 4.5 साल में तो हम तो दिखे जी, पहले तो किसान है फिर युवा जी, हम तो लूटे ही लूटा लग रहे हैं, गड्ढे में उतार दिए नहीं रोड, गड्ढे में उतार दिए। तुम एक बात बताओ, ये कहे थे हम 14 दिन में गन्ने का पेमेंट दे देंगे, जो इंसान संसद का विधायक होगा तो एक दिन पीछा रोक लेते हैं, संसद में जाना बंद कर दे, हम कहाँ जाए, हम दिल्ली जाते, हमारा पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी, किसान को तो मरना ही मरना, बिजली का बिल इतना बड़ा, तानाशाही चल रही, प्योर वाली तानाशाही बोलते रहे। 2019 का लोकसभा चुनाव, जयंत चौधरी यहाँ से लोकसभा चुनाव आ रहे हारे नहीं, देख मेरी नजरों में तो जीत रहे, बेईमानी तो जीता लो खड़े छोर को, मारे नहीं आ रहे चौधरी साहब, मारे तो जीते रहे। एक बात बताओ, सांझ को 9 बजे लोग गिनती हुई और मारे वाला चौधरी साहब चल रहा 1800 वोट तो आग गए, और 20 मिनट भी नहीं, 5 मिनट पीछे सतपाल जीत गया, कहाँ था जीत गया, जब तक कि 9 वार्ड रह रहे थे, कहाँ था जीत गया। आपका आरोप है कि धांधली के तहत चुनाव जीते हैं? ये तो धांधली कर रहे थे, मेरे नु तो ध्यान नहीं, मैं बता दूंगा, मेरे नु तो ध्यान नहीं, इसी में ही सांसद वाले चुनाव में ही एक मुसलमानों का काम है, यही मुजफ्फरनगर जिले में, और उसकी 1300 वोट पड़ी, उसमें तो 700 वोट बीजेपी को मिली, तो ये मुसलमानों ने बुला लिए दारू मुलाओं ने, जान के फतवे से जारी हो, वो कह लगे बस हमने तो बीजेपी को वोट दे दी, वे सारे कसम खा के बोले हमने तो किसी की भी नहीं दी, कहाँ था वे, ये धांधले बची गई तो खेल है सब कुछ, ये मशीन नु मकड़ पड़े इनकी। तो ईवीएम को लेकर भी लंबे समय से सवाल खड़े कर रही है,
जो विपक्ष है वह भी खड़े करता रहता है, तो आपका भी आरोप है कि ईवीएम में धांधली हुई? बिल्कुल पक्का है जी, पक्का है। तो इस बार भी ईवीएम से चुनाव होंगे? हम तो कह जो बैलेट से पेपर तो करवाए थे तीन ऐसे कर देंगे आगे जी, उनमें चुनाव का नाम नहीं ले जिंदगी में आना भूल जाएंगे जी। जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव इसके बाद अध्यक्ष के, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो बागपत जनपद है आपका, यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल का जिला पंचायत अध्यक्ष बना है, जिला पंचायत सदस्य चुनाव के क्या नतीजे आपके क्षेत्र के? मैं बताऊंगा जी, वो भी ना बना था जी। वो चुनाव तो पहले ठह लिया था मंत्री जी ने जी। इन्होंने सतपाल सांसद जी ने लेके थे उसे ठहका, खैर वो छुटाया का आ गया उन रिकॉर्ड सब कुछ बता, मुझे लेके धमका मारा पिटा जो कुछ भी बात हुई, उसके बाद में उस जनगुंडा कर दी हुई। जो हम किसान लोक दल गए जो युवा साथी है बड़े नेता है जो ये नजर उधर हार गया था, वो तो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में क्या रहा आपके क्षेत्र का? वो हम तो कहे जी लोकदल ही लोकदल है यहाँ तो, और तो हमें कोई दिखे नहीं। जिला पंचायत सदस्य वोटों से जीता है जी, 9000 वोटों से जीता है लोकदल का प्रत्याशी, यहाँ से जिला पंचायत सदस्य और पूरे पश्चिम में जो है, पूरे पश्चिम में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बना हमारे बराबर का जो दो नंबर वार्ड है 19000 बसंत तोमर से, एक जिला पंचायत सदस्य का हिस्सा आप अंदाजा लगा सकते हो, 19000 वोटों से चुनाव जीता एक जिला पंचायत सदस्य ने। मैं फिर से दावा करता हूँ लोकदल का जो इस बार प्रत्याशी आएगा वो 70-80 हज़ार वोटों से यहाँ से चुनाव जीतने जा रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव का। और रही बात आप अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी की बात करें, जिस दिन गुजरात से आए थे वे कसम खा गए थे कि केवल मुझे झूठ और झूठ और झूठ 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 जितनी बोलना है, झूठ के अलावा मुझे कुछ नहीं बोलना है, झूठ के सारे। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को छोड़ दो आप, पूरे भारत को जो है उन्होंने गुलाम बना के रख दिया, केवल गुजरात का, गुजरात के कुछ चंद उद्योगपति आए हैं और पूरे भारत पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। पूरे भारत पर आज गुजरात वालों का कब्जा है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी विभाग में हो, सब अड़ंगा। आज सारा जो पूरा भारत है वो गुजरात के हाथ में है, और प्रधानमंत्री का केवल और केवल, चाहे वो गन्ने का दाम हो, चाहे वो किसी और का हो, चाहे किसान की जो है 2022 में उपज दोगुनी करने का मतलब हो, प्रधानमंत्री का काम है केवल झूठ बोलना। प्रधानमंत्री विकास विकास करते हैं केवल केवल और केवल उद्योगपतियों का विकास करते हैं। ये आपको देखने में आ रहा होगा, पेट्रोल जो है 100 रुपये कूद चुका है, डीजल जो है 100 रुपये कूद चुका है, उद्योगपति जो है वे सब उनके गोदाम बन के जो है वे बिल्कुल हर तरीके से लीकेज करके भर भर के जो है कई कई हजार करोड़ रुपए जो है उद्योगपति कुमार चुके हैं। छोटा जो हमारे यहाँ ठेकेदार था, कर्मचारी था, सब छोटे लेवल का आदमी खत्म हो चुका। जो बड़े टेंडर वाले हैं, बड़े ठेकेदार हैं, सब केवल उनके लिए काम होता है, और बड़े स्तर पर जो है काम किए जा रहे हैं उनमें बड़ा घोटाला होता है। क्षेत्र का विकास जो छोटे लोग यहाँ ठेकेदार करते थे, जो ग्रामीण सड़कें बनती थी वे भी बननी बंद हो चुकी। जो छोटे लेवल का ठेकेदार था, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, चाहे वो लोक निर्माण विभाग का हो, चाहे वो जल निगम का हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, सब विभाग उन्होंने अपने कब्जे में करके और सब विभाग में चोरी करने का काम किया है, धोखा करने का काम किया है। और जो यहाँ काम ही है, चाहे वो सड़क हो चाहे कुछ भी हो, सब हर वो एक भी सड़क कोई भी ऐसी नहीं है जिसमें धांधलीबाजी न की जा रही हो, केवल और केवल इनका भ्रष्टाचार तो पिछली सरकारों में भी होता रहा है। भ्रष्टाचार पिछली सरकार में होता रहा, पिछली सरकार में भ्रष्टाचार था 500 रुपये का, थाने में गए 500 रुपये मुंशी को दिए, अपना काम करा लिया। वो भ्रष्टाचार पहुंच चुका 10000 रुपये पे, आज थानेदार कुछ चाहते हैं 10000 रुपये। ये बीजेपी की पिछली सरकार का फर्क है। और मायावती की सरकार में गन्ना किसानों का भुगतान करने के लिए, मैं आपको बताता हूँ, मायावती ने सभी चीनी मिल मालिकों को बुलाकर नखलाओं में कमरे में बंद करके और ये कह दिया जो इस पर फाइल पर साइन करता रहेगा वो बाहर निकलते रहो। और ये अब देखो मायावती के शासन बसपा के कार्यकाल की तारीफ कर रहे हैं जी, तो क्या बसपा के पक्ष में भी मतदान करने का कोई इरादा? मतदान करने का इरादा नहीं है, सरकार जिसकी भी अच्छी हो, अगर इनकी भी अच्छी होगी हम इनकी भी तारीफ करेंगे, जिसने अच्छा काम किया हम उसी की तारीफ करेंगे, चाहे वो किसी भी दल से हो। हमें अगर अच्छा काम कोई करता है किसी की तारीफ करने में कोई एतराज नहीं है। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं अच्छा काम करते हैं तो हमें उनकी भी तारीफ करने में कोई हिचक नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी तो केवल वर्ल्ड में खिताब लेना चाहते हैं कि कौन सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, उनकी तो प्रतिष्ठा है, वे चाहते हैं कि मेरा नाम लिखा जाए गिनीज बुक में कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा झूठ अगर किसी ने बोला तो वो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ। तुम एक बात तो बताओ जी जी, 2014 वाला चुनाव था लोकसभा वाला जी, जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता है, किसी के खवे पर सिलेंडर, किसी के सिर पर सिलेंडर, कोई तेल की बोतल ले रहा, कोई प्याज गड़े में घाल रहा, ये भी कहाँ गए वे? तो ये तो ये जो होता है विरोध करना विपक्ष का होता है, विपक्ष इस देश का विरोध ही कर रहा है। बताओ तुम एक बात बताओ, ये किसी को छोड़ा है? जितने भी मीडिया कर्मी है, तुम मेरी बात सुनो, जितने भी मीडिया कर्मी है, एक धर्मांतरण यू धर्मांतरण का मुद्दा उठा, पूरे चोरों शोरों तक उठा दिया, मन को आया कि बोल दी 5-6 दिन लो यू बजा, किसानों की कौन दिखा रहा है? हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही, इतने किसान मर लिए, किसी ने पूछा भाई क्यों मर रहे? ये तो बताओ तुम, ये तो सब जो है सरकार की साजिश है, सोची समझी,
जो ही बका आ गई अत किसान तो रहने का नहीं, मेरे तो अत में कुर्पी है ही जोड़ा हो रहा है जगह भाषण भाषण भरेगा अपना कहीं को इला देखना पड़ेगा फांसी पर चढ़ा देगा जी बका जो ही बका आगी सरकार तो ही बका फांसी पर लटका देगा किसानों को पक्की बात है जी। तो ये छपरौली विधानसभा क्षेत्र का गांव है, यहाँ पर हम पहुँचे थे। ग्रामीणों ने अपनी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी है उसको व्यक्त किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे होंगे यह तो आने वाले समय में पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट हासिल करती है, वहीं राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी कहाँ कहाँ जीत दर्ज करती है। आगे भी हम अन्य विधानसभा सीटों पर ग्राउंड रिपोर्ट करके आपको जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।